हेलो एवरीवन, राजपूत ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के लिए और इंजीनियरिंग ड्राइंग इस सब्जेक्ट के लिए भी एक कंसेप्चुअल टॉपिक है जो कि है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आज इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म एसोसिएटेड विथ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन, स्टडी ऑफ क्वाड्रेंट सिस्टम। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज़ द प्रोजेक्शन। हमने देखा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो उसमें प्रोजेक्शन क्या होता है? तो प्रोजेक्शन इज डिफाइंड एज एन इमेज और अ ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ प्लेन। मतलब ये कोई एक सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की किसी प्लेन पर इमेज या ड्राइंग वो क्या रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी किसी प्लेन पर जो कि इमेज या ड्राइंग प्रोजेक्ट होती है उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो ये था आपका प्रोजेक्शन। आप देख सकते हैं, आपने बचपन से पढ़ते भी आ रहे होंगे कि आपकी जो इमेज बनती कैसे है, कि ये जो लाइट रेज आ रही है वो किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है और उसके डिफरेंट पॉइंट्स को किसी प्लेन पर प्रोजेक्ट करती है जिसपे इमेज बनती है। आपकी जो इमेज रहती है वो किसी एयर पे नहीं बनती, उसके लिए कोई ना कोई आपको प्लेन चाहिए। तो जिस इमेज, जिस प्लेन पर इमेज बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज बन रही है और जो इमेज बनती है उसको बोला जाता है व्यू। ये जो इमेज बन रही है इसे क्या बोला जाता है? व्यू। ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जर्वर जो देख रहा है, मतलब जहां से देखा जा रहा है। ये लाइन ऑफ साइट है जो कि रेज जा रही है, इसे प्रोजेक्टर भी बोला जाता है। ये जो स्लाइड है ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं है, ये सिर्फ प्रोजेक्शन के बारे में आपको डिस्कस किया गया है। यह ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का कंसेप्ट नहीं है, यह सिर्फ प्रोजेक्शन का कंसेप्ट है कि कैसे आपकी एक इमेज या ड्रॉइंग किसी प्लेन पर बनती है, कैसे बन रही है। ओके, अब जो प्रोजेक्शन, जो कॉमनली यूज्ड प्रोजेक्शन है वो कौन कौन से होते हैं? एक है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, एक है आइसोमेट्रिक, एक है पर्सपेक्टिव और एक है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ओके, वन बाय वन इनकी सारी स्टडी अपन करेंगे आगे। आज जो अपना मेन फोकस है वो है किस पे? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे। तो व्हाट यू मीन बाय ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन? द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज अ पैरेलल प्रोजेक्शन। ये आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इट्स अ पैरेलल प्रोजेक्शन इन विच द प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेलल प्रोजेक्शन है और पैरेलल कौन होता है? प्रोजेक्टर। और प्रोजेक्टर क्या है? आपने देखा था ये लाइंस ऑफ साइट नथिंग बट अ प्रोजेक्टर, जो रेज जा रही है, जो प्रोजेक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन पर, जो प्रोजेक्ट करती है रेज, दैट इज द प्रोजेक्टर। ओके, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक ऐसा प्रोजेक्शन है जिसमें जो रेज रहती है वो आपस में कैसी है? पैरेलल। और जिस प्लेन पर इमेज बनेगी या व्यू बनेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट रेज आ रही है, तो एक लाइट रेज इधर आई इस पॉइंट पे स्ट्राइक की, एक लाइट रेज मान लो इस पॉइंट पे स्ट्राइक की, तो ये दोनों लाइट रेज, और ये दोनों ही नहीं, सारी लाइट रेज जो कि इसे प्रोजेक्ट कर रही है वो सारी आपस में कैसी रहेंगी? वो सारी रेज आपस में रहेंगी पैरेलल। और जिस प्लेन पर प्रोजेक्शन बन रहा है उसके क्या रहेगी? परपेंडिकुलर। तो ऐसे प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है,
ये जो रेज आ रही हैं यहाँ से ऑब्जर्वर है, ये लाइन ऑफ साइट को ये अपन प्रोजेक्टर बोलते हैं। तो जो रेज टकराती है और इसके डिफरेंट पॉइंट को यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रही है, तो ये अपना क्या होता है, व्यू। जिस प्लेन पर ड्राइंग या इमेज या व्यू बनता है अपना, उसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ड्राइंग में क्लियर है कि ये जो प्रोजेक्टर है जो इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आपस में कैसे हैं, आप देख सकते हैं ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये सारे प्रोजेक्टर आपस में पैरेलल है। और इस प्लेन से कैसे हैं वो सारे प्रोजेक्टर, इस प्लेन से 90 डिग्री पर है जिस पर इमेज बन रही है। आप देख सकते हैं ये मेरा हाथ अगर एक प्रोजेक्टर है तो ये इस प्लेन से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो ऐसे प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ने के लिए आपको कुछ डिफरेंट टर्म के बारे में भी जानकारी चाहिए रहती है, जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए। कुछ आपको क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में भी पता होना चाहिए। ओके, अब आपको अगर बोला जाए कि आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, इसका मतलब आपको क्या ड्रॉ करना है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है इसका मतलब आपको ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। जनरली ये व्यू ड्रॉ किए जाते हैं। अगर आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने बोला जाएगा तो आप क्या ड्रॉ करते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, और साइड व्यू। जनरली ये तीन व्यू ड्रॉ किए जाते हैं, जिसमें जो साइड व्यू होता है ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू भी होता है और राइट हैंड साइड व्यू भी होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये व्यू क्या होते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपने देख लिया, प्रोजेक्शन आपने देखा, प्रोजेक्शन फिर आपने देखा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, फिर आपने ये देखा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको ड्रॉ करने बोल रहे हैं, मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट है उसके आपको व्यू ड्रॉ करने हैं। और जनरली कौन कौन से व्यू ड्रॉ करने बोला जाता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, जिसमें साइड व्यू दो होते हैं। तो अपने को तो पहले ये समझना पड़ेगा कि फ्रंट व्यू क्या होता है। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप फ्रंट से देखते हैं और जो उसकी प्लेन पर इमेज बनती है फ्रंट से देखने पर, वो क्या हुआ, उसका फ्रंट व्यू। किसी ऑब्जेक्ट को टॉप से देखने पर जो उसकी इमेज बनती है वो क्या होता है, टॉप व्यू। और किसी ऑब्जेक्ट को साइड से देखने पर, अब साइड से आप राइट हैंड साइड से भी देख सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से भी देख सकते हैं, तो वो जो इमेज बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, साइड व्यू। तो आपने और क्या क्या चीजें देखी, फ्रंट व्यू किसे कहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे आप मुझे फ्रंट से देख रहे हो और फ्रंट से देखने पर इस प्लेन पर जो मेरी व्यू बनेगा दैट इज द फ्रंट व्यू। टॉप से देखने पर जो मेरी इमेज बनेगी वो होगा टॉप व्यू, और साइड से देखने पर जो इमेज बनेगी वो होता है साइड व्यू। तो ये भी हो गया कि व्यू क्या होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। अब इमेज कहाँ बनेगी, इमेज किसी एयर में तो नहीं बनेगी, इमेज किसमें बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जहां इमेज बनती है उसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, अब जो इमेज बनती है तो इमेज आपकी बनेगी, उसके लिए एक टर्म आता है वर्टिकल प्लेन, एक टर्म आता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे अगर आप मुझे सामने से देख रहे हैं और मेरी इमेज ये पीछे एक प्लेन है इस पे बनेगी, ये कैसा है प्लेन, ये वर्टिकल है, ये खड़ा है एक प्लेन, तो ये प्लेन कैसा हुआ, वर्टिकल प्लेन। तो जो सामने से आप मुझे देख रहे हैं, मतलब जो मेरा फ्रंट व्यू बनेगा वो किस पे बनेगा, इस वर्टिकल प्लेन पे। अगर लाइट रेज ऊपर की तरफ से आ रही है तो मेरा जो टॉप व्यू बनेगा वो कहां बनेगा, जमीन पे बनेगा। और ये जमीन क्या है अपनी, इसे क्या बोलते हैं, जो दैट इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब आप मुझे साइड से देखेंगे या इस साइड से देखेंगे तो एक और प्लेन होता है जो कि इस वर्टिकल प्लेन और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से 90 डिग्री के एंगल पे होता है, उसे हम प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं। और उस प्लेन पे अपना क्या बनता है, साइड व्यू बनता है।
आपने और क्या चीजें देखी? आपने ये चीजें देखी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का मतलब क्या है, वो आपको व्यू ड्रॉ करना रहेगा, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। अब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू किसी ना किसी तो प्लेन पर बनेंगे, हवा में तो बनेंगे नहीं, तो उसे हम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोला जाता है। तो कौन कौन से प्लेन होते हैं, इसी को प्रिंसिपल प्लेन भी बोलते हैं। एक होता है वर्टिकल प्लेन, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक होता है और प्रोफाइल प्लेन। दो प्रोफाइल प्लेन हो गए आपके, राइट हैंड साइड से देखा तो इधर बन गया, लेफ्ट हैंड साइड से देखा तो उधर भी प्लेन है आपका। फ्रंट व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो फ्रंट व्यू होता है वो हमेशा वर्टिकल प्लेन पे ड्रॉ होता है। फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल, जैसे आप मुझे फ्रंट से देख रहे तो मेरा फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पे ड्रॉ होगा। टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है, और जो साइड व्यू रहता है, साइड व्यू वो कहां ड्रॉ होता है, वो ड्रॉ होता है प्रोफाइल प्लेन पे। फ्रंट व्यू को ही क्या बोला जाता है, एलिवेशन। टॉप व्यू को क्या बोला जाता है, प्लान व्यू भी बोला जाता है। और साइड व्यू के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एंड व्यू। ओके, तो आपने यह भी देख लिया कि इमेज बनेगी और इमेज किसी ना किसी एक प्लेन पर बनेगी। अब अपन थोड़ा सा क्वाड्रेंट सिस्टम को समझते हैं। ये चार क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो रूल बनाए गए हैं उस रूल के हिसाब से अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, मतलब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू ड्रॉ करना है, तो उसमें आपको कोई ऑब्जेक्ट किस क्वाड्रेंट पे रखा हुआ है ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, या आपने को समझना पड़ता है, और उसके बेसिस पे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रॉ होते हैं। इसलिए क्वाड्रेंट सिस्टम आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी रखा हुआ हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी रखा हुआ हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी रखा हुआ हो सकता है। तो आपका ऑब्जेक्ट किसी ना किसी क्वाड्रेंट पे रखा हुआ हो सकता है और उसके बेसिस पे उसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू की पोजीशन ड्रॉ होती है। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब ये जो प्लेन है आप देख सकते हैं, ये कैसा प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है ये है आपका वर्टिकल प्लेन, ऐसा प्लेन जो है। और एक प्लेन ऐसा वाला कौन सा है, ये प्लेन है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इन दोनों के 90 डिग्री पे एक प्लेन बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन, जिसमें साइड व्यू बनता है। तो मैं कुछ देर के लिए साइड व्यू को अलग रख रहा हूं, अभी मैं देख रहा हूं आपका वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, ठीक है। अब अपने लिए फिर से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन, इनको मिला के ही प्रिंसिपल प्लेन भी बोला जाता है। और जहां पर ये प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर ये प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये लाइन जो है ये एक्स वाई लाइन बोला जाता है इसे, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई लाइन। ओके, अब जो आपकी इमेज बनती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फ्रंट व्यू कहां बनता है, वर्टिकल प्लेन पे, टॉप व्यू कहां बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, क्योंकि मैंने आपको अभी डिस्कस भी किया है, क्योंकि इसका जो रूल बनाया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो रूल बनाए हैं, वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते समय पहले ऐसा मानता है कि आपको जो ऑब्जेक्ट है किसी ना किसी एक क्वाड्रेंट पे रखा रहेगा और उसके हिसाब से फिर वो उसके प्रोजेक्शन ड्रॉ होते हैं। ओके, तो फ्रंट व्यू हमेशा कहां ड्रॉ होता है, वर्टिकल प्लेन पे, और टॉप व्यू हमेशा कहां ड्रॉ होता है,
हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। अब ये फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पे ड्रॉ क्यों होता है, ओके इसको भी समझना अपने को जरूरी है। पहले आप थोड़ा सा एक इसका एक ग्लिम्प्स ले लीजिए। आप देख सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है इसका फ्रंट व्यू। और ये क्या है इसका टॉप व्यू। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां पर गलत लिखा हुआ है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखो ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, ये फ्रंट व्यू आपका किस प्लेन पे बना, वर्टिकल प्लेन पे। जब ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो भी इसका फ्रंट व्यू कहां बना, वर्टिकल प्लेन पे, मैंने अभी आपको बताया भी था। जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो टॉप व्यू कहां बना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ऑब्जेक्ट चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे था, चाहे थर्ड क्वाड्रेंट में था, चाहे सेकंड में रहेगा, चाहे फोर्थ में रहेगा, जो टॉप व्यू रहता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है, जो फ्रंट व्यू रहता है वो कहां बनता है, वर्टिकल प्लेन पे बनता है हमेशा, ओके। तो आपने ये देखा फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे बनता है, टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है, साइड व्यू प्रोफाइल प्लेन पे बनता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इंटरसेक्शन जो लाइन होती है जहां पर दोनों प्लेन मीट करते हैं उसे हम एक्स वाई लाइन बोलते हैं। अब इसका ये क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई जो व्यू रहता है फ्रंट व्यू टॉप व्यू वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कैसे बनते हैं उसको मैं डिस्कस करता हूं, ध्यान देना। ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका नाम है ए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे पहचानोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट अबोव द एचपी, अबोव द एचपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी, एचपी के ऊपर, वीपी के सामने, अगर ऐसा बोला है मतलब आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट पे मतलब अबोव द एचपी, बिहाइंड द वीपी, एचपी के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के पीछे, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। बिलो द एचपी, बिहाइंड द वीपी, एचपी के नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे, थर्ड क्वाड्रेंट। और बिलो द एचपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन में इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कौन से क्वाड्रेंट पे है। अब मान लो ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, ये ए एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मान लो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, देखा इस राइट साइड तरफ से ही जाएगा, इस तरफ से देखा जाएगा। और टॉप व्यू के लिए चाहे कोई भी क्वाड्रेंट हो, ये टॉप से ही देखा जाएगा। अब अगर इधर फ्रंट व्यू के लिए इधर से देखा जा रहा है, फॉर फ्रंट, और ये फॉर टॉप के लिए। अब आपने जब इस तरफ से देखा तो ये लाइट रेज आई, ये इस पॉइंट से स्ट्राइक हुई और इसकी इमेज कहां बनाएगी, इस वर्टिकल प्लेन पे, ये वर्टिकल प्लेन है। तो ये आप सामने से देख रहे हो, आप ये ध्यान रखना कि क्वाड्रेंट ऐसा है, क्वाड्रेंट अगर ऐसा है तो फ्रंट व्यू के लिए किस तरफ से देखा जाएगा, उस तरफ से नहीं देखा जाएगा, फ्रंट व्यू के लिए किधर से देखा जाएगा, इस तरफ से देखा जाएगा क्वाड्रेंट अगर ऐसा है तो। हां क्वाड्रेंट को अगर मैं ऐसा दिखाऊं तो फ्रंट व्यू के लिए भले इधर से देखा जाएगा, लेकिन क्वाड्रेंट क्योंकि ऐसा है तो फ्रंट व्यू के लिए किस तरफ से देखेंगे आप,
इस तरफ से, क्योंकि वर्टिकल प्लेन ये वाला है, फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, तो फ्रंट व्यू के लिए इस तरफ से देखा जा रहा है। ओके, अब यहां से लाइट रेज आई, ये पॉइंट ए से टकराएगी, तो इसने इसके फ्रंट व्यू को ये येलो कलर का पॉइंट इस ए का फ्रंट व्यू है, जो कि कहां बना, वर्टिकल प्लेन पे। इसका नाम हो गया स्मॉल ए डैश, डैश से फ्रंट व्यू को दिखाया जाता है, डैश से फ्रंट व्यू को दिखाया जाता है। ओके, अब टॉप से इसे देखा गया, इसे टॉप से देखा गया, तो इस ए का टॉप व्यू जिसका नाम क्या हो गया, स्मॉल ए। तो ये ए डैश कहां बना आपका, वर्टिकल प्लेन पे, और ए कहां बना आपका, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ओके, ये आपकी एक्स वाई लाइन है, मान लो आपका पॉइंट, अगर मान लो पॉइंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे रहता, ये एक पॉइंट है जिसका नाम है बी, तो भी इसके फ्रंट व्यू के लिए आप इसी तरफ से देखते, इसी तरफ से देखते, और आप ऐसा अज्यूम करते कि ये जो प्लेन है वर्टिकल प्लेन, वो आपका कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। ओके, आप इसी तरफ से देखते और आप ऐसा अज्यूम करते कि वो ट्रांसपेरेंट है, तो इस केस में भी अब बताइए, जो पॉइंट बी का फ्रंट व्यू बनेगा, बी के पीछे तो कोई प्लेन है नहीं, तो इस पॉइंट बी का फ्रंट व्यू कहां बनेगा, बी डैश, इस बी का फ्रंट व्यू है, कहां बन रहा है फ्रंट व्यू, वर्टिकल प्लेन पे बना या नहीं बना। अब अगर मैं इसे टॉप से देखूं, तो बी का टॉप व्यू उसका नाम क्या होगा, बी के टॉप व्यू का स्मॉल बी, फ्रंट व्यू को स्मॉल लेटर डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, टॉप व्यू को स्मॉल लेटर विदाउट डैश। तो जब ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट पे है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब एचपी के ऊपर वीपी के पीछे, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में इसका प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू कहां बना, वर्टिकल प्लेन पे, टॉप व्यू कहां बना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। जब पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो भी फ्रंट व्यू कहां बना था, फ्रंट व्यू बना था वर्टिकल प्लेन पे, टॉप व्यू कहां बना था, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ओके, अगर पॉइंट मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर पॉइंट सपोज थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये एक पॉइंट अपन ले लेते हैं, ये एक पॉइंट है जिसका नाम है सपोज सी, तो इसके भी फ्रंट व्यू के लिए कहां से देखा जाएगा, इसके भी फ्रंट व्यू के लिए इसी तरफ से देखा जाएगा, और अपन क्या मानते हैं कि जो प्लेन है अपना वो ट्रांसपेरेंट है, तो इस पॉइंट सी का, अब इसके पीछे तो प्लेन नहीं है, तो फ्रंट व्यू कहां बनेगा, इस प्लेन पे ही बना। इसको मान लो मैं दिखा रहा हूं येलो कलर से, तो ये हुआ स्मॉल सी डैश, और इसके टॉप व्यू के लिए कहां से देखा जाएगा, इसको ऊपर से ही देखा जाएगा, लेकिन टॉप व्यू कहां बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, क्योंकि नीचे तो कोई प्लेन है ही नहीं। स्मॉल सी, ये सी डैश क्या है, फ्रंट व्यू, इधर से देखा आपने फ्रंट, यही मैंने बताया था क्वाड्रेंट सिस्टम में
फ्रंट हमेशा इसी को ही मानते हैं और टॉप ऊपर से रहता है। तो फ्रंट व्यू कहाँ बना? वर्टिकल प्लेन पे। और टॉप व्यू कहाँ बना? स्मॉल सी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब बिलो द एचपी, बिहाइंड द वीपी। अब देखते हैं अपन फोर्थ क्वाड्रेंट। मान लो ऑब्जेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट पे रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है अपना डी। अब फ्रंट व्यू के लिए इधर से ही देखोगे आप तो इसका फ्रंट व्यू इस प्लेन पे ही बनेगा, पीछे तो कोई प्लेन नहीं है, तो इसका फ्रंट व्यू बना जिसको मान लो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं। सपोज तो इसका नाम क्या हो गया फ्रंट व्यू का? डी डैश, स्मॉल लेटर डैश। और इस डी का टॉप व्यू, टॉप से देखेंगे आप तो स्मॉल डी। तो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में था, बिलो द एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो भी इसका फ्रंट व्यू कहां बना? वीपी में। और टॉप व्यू कहां बना? एचपी में। मतलब चाहे किसी भी क्वाड्रेंट पे रहे ऑब्जेक्ट, उसका फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल लाइन पे बनता है और जो उसका टॉप व्यू बनता है वो हमेशा कहां बनता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। अब इसको आप अपनी कॉपी में कैसे ड्रॉ करते हैं वो बाद का कंसेप्ट है, वो बाद में अपन डिस्कस करेंगे। एक एक जब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन डिस्कस किया जाएगा तो बाद का कंसेप्ट है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आप सभी को क्लियर हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ऑब्जेक्ट है और उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है तो उसे बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसे बोला जाता है सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसे बोला जाता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसे क्या बोला जाता है? फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। ओके, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये किसके किसके बीच में है? जहां से रेज आ रही, मतलब ऑब्जर्वर, ये है ऑब्जर्वर जो देख रहा है। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट ए है वो ऑब्जर्वर, और ये जो जिसमें इमेज बन रही है उसको क्या बोलते हैं अपन? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, ये है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, ये दोनों क्या है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में है। ओके, जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका ये पॉइंट नंबर सी, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सी ये ऑब्जेक्ट है आपका ना, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर इधर से देखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है थर्ड क्वाड्रेंट पे। जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हो गया फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। इसमें देखो मैंने जो वर्ड मैं बोलता था वहां लिखा हुआ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोला जाता है? अबोव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। सेकंड के लिए क्या बोला जाता है? अबोव एचपी बिहाइंड वीपी। थर्ड के लिए क्या बोला जाता है? बिलो एचपी बिहाइंड वीपी। और फोर्थ के लिए क्या बोला जाता है? बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो क्वाड्रेंट पैटर्न हो गया, ठीक है। और ये जो रिफरेंस लाइन रहती है जहां पर ये प्लेन मिलते हैं, ये जो लाइन है जहां पर दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है? एक्स वाई प्लेन। यहां देखो मैंने बताया आपको, वही एक ऑब्जेक्ट है, मैंने वहां पर एक पॉइंट लिया था ऑब्जेक्ट, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। तो देखा इसे किस तरफ से गया है? फ्रंट व्यू के लिए इस तरफ से ही देखा गया है, और टॉप व्यू के लिए ऊपर से देखा गया है। तो फ्रंट व्यू यहां बना, टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बना। यहां पर जब इसे देखा गया तो फ्रंट व्यू यहां बना, टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही बना। तो ये भी अपना क्लियर है।
अब इसे जब अपन कॉपी में ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई लाइन के रिफरेंस में ड्रॉ किया जाता है, तो वो अपन बाद में टॉपिक वाइज टॉपिक वो देखा जाएगा। अभी ये जो बेसिक कंसेप्ट है आप ध्यान देते रहिए। ये भी देखो एक ऑब्जेक्ट है, फ्रंट से इधर देखा गया है, वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू बना, टॉप से देखा गया है, टॉप व्यू भी बना। अब ध्यान से समझना, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ओके, अगर इसे फ्रंट व्यू इधर से देखा जा रहा है, ये फ्रंट व्यू है अगर, तो इसका साइड व्यू कौन सा होगा? या तो आप इधर से देखोगे वो भी एक साइड व्यू है, और इसको इस तरफ से देखा जाएगा तो भी साइड व्यू है। अगर फ्रंट व्यू उस डायरेक्शन से, ध्यान रखना, अगर फ्रंट व्यू आप इस डायरेक्शन से ले रहे हैं तो साइड व्यू के लिए इधर से और इधर से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करूं और फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ऐसा है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा है, ओके, तो फ्रंट व्यू के लिए अगर इधर से देखा जा रहा है तो एक साइड व्यू इधर से देखा जाएगा, एक साइड व्यू इधर से देखा जाएगा। तो इसके साइड व्यू को अगर इस तरफ से देखा गया तो ये येलो वाला प्लेन है, ये प्रोफाइल प्लेन है, जो कि इस वीपी और एचपी दोनों से 90 डिग्री पर है, आप देख सकते हैं। और इसका साइड व्यू कहां बन रहा है? प्रोफाइल प्लेन पे बन रहा है। तो ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब देखो जो जो चीजें मैंने अभी आपको यहां पर डिस्कस किया है वो सारे यहां पर मैंने वर्ड में लिखा भी हुआ है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता है, मतलब अबोव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, उसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोलते हैं। सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, जब ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट पे होता है, अबोव एचपी बिहाइंड द वीपी। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, जब ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट पे होता है, बिलो एचपी बिहाइंड वीपी। एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, मतलब जब ऑब्जेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता है, बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, जो मैंने आपको प्रोजेक्शन में डायग्राम में भी दिखाया, बहुत बार मैंने यहां पर उसको रिवाइज भी किया है और वही चीजें यहां पर ही मैंने लिखी भी है। इसके अलावा वर्टिकल प्लेन क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, वर्टिकल प्लेन ऑल्सो नोन एज फ्रंट रिफरेंस प्लेन, फ्रंट रिफरेंस प्लेन इज अज्यूम टू बी प्लेस्ड वर्टिकली, प्लेस्ड वर्टिकली या क्वाड्रेंट पे वर्टिकली एंड डिनोटेड बाई वीपी। वैसी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल रिफरेंस प्लेन इज अज्यूम टू बी प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। प्रोफाइल प्लेन, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ द एचपी एंड वीपी, जिसपे आपका साइड व्यू बनता है। अब प्रोफाइल प्लेन आपके दो होते हैं, राइट प्रोफाइल प्लेन एंड लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन। मैंने बताया था ना साइड व्यू आपके दो बनते हैं, तो प्रोफाइल प्लेन आपके दो हो गए। रिफरेंस प्लेन ऑब्लिक प्रिंसिपल प्लेन, ऑल द अबोव मेंशन्ड प्लेन, मतलब वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन, इन तीनों को मिलाकर ही क्या बोला जाता है आपका? रिफरेंस प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन। रिफरेंस लाइन क्या होती है? एक्स वाई लाइन, जहां पर दोनों प्लेन आपस में क्या करते हैं, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द प्रिंसिपल प्लेन, जहां प्रिंसिपल प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रिफरेंस लाइन। इट इज प्रॉपरली कॉल्ड एक्स वाई लाइन। फ्रंट व्यू क्या होता है? द व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द फ्रंट। किसी ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट से ऑब्जर्व करते समय जो व्यू रहता है, दैट इज द फ्रंट व्यू। इसे हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन। मैंने पहले बता चुका हूं आज, टॉप व्यू। इसे हम क्या बोलते हैं? प्लान। और साइड व्यू को हम क्या बोलते हैं? एंड व्यू। अभी कुछ देर पहले आज मैंने इसे डिस्कस किया है। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये मैंने बताया, ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड में है तो वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर, ये भी मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में रहता है, जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन रहता है वो किसके बीच में रहता है? ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में। ये भी मैंने डिस्कस किया आपको। द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज अज्यूम्ड टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अपने को ऑब्जेक्ट डायरेक्ट दिखता है तो उसे ट्रांसपेरेंट अज्यूम नहीं किया जाता, लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि सबको देखा राइट साइड से जा रहा है और टॉप से देखा जा रहा है। मैंने देखो चाहे अभी डिस्कस किया था ए हो
तो ए तो अपने को यहां से सीधा दिख जा रहा है और यहां से भी ऊपर से दिख जा रहा है, तो प्लेन को ट्रांसपेरेंट मानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन थर्ड में है अगर पॉइंट नंबर सी, तो अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा प्लेन, तो ये तो अपने को दिखेगा ही नहीं पॉइंट। तो इसमें फर्स्ट एंगल पे नॉन ट्रांसपेरेंट है और थर्ड में क्या है, ट्रांसपेरेंट है। फोर्थ में इन दिस मेथड व्हेन द व्यू आर ड्रॉन, अच्छा ये अभी आपने नहीं देखा है, फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अभी तक तो अपने क्वाड्रेंट पे पढ़ा, लेकिन जो आपकी कॉपी रहती है वो क्वाड्रेंट शेप की थोड़ी ना रहती है, वो तो एक प्लेन रहती है। तो जब उस व्यू को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करते हैं, जब व्यू को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करते हैं, तो उसकी पोजीशन कैसे ड्रॉ होती है, आपने इधर से देखा फ्रंट व्यू के लिए, ये इसका फ्रंट व्यू बना जिसका नाम हुआ ये फ्रंट व्यू बना, ए का फ्रंट व्यू क्या हो गया ए डैश। जब आपने इसे टॉप से देखा, इसका टॉप व्यू बना, इसके टॉप व्यू का नाम क्या हो गया ए। तो आपकी कॉपी क्वाड्रेंट शेप की थोड़ी ना, आपकी कॉपी तो एक प्लेन है, तो जब इसे कॉपी में ड्रॉ किया जाता है तो ये एक्स वाई लाइन है, आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट व्यू बन रहा है ए डैश वो एक्स वाई के ऊपर बन रहा है, तो ए डैश एक्स वाई के ऊपर बना। अब टॉप व्यू तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो ऐसा रूल है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसे क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करते हैं। तो जो टॉप व्यू अभी एक्स वाई लाइन के सामने है वो रोटेट होके कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही रोटेट किया जाता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कौन सा व्यू बनता है, टॉप व्यू, तो हमेशा टॉप व्यू ही रोटेट होगा, वर्टिकल प्लेन को रोटेट नहीं किया जाता। इसीलिए फ्रंट व्यू की पोजीशन कभी रोटेट नहीं होती, टॉप व्यू की ही पोजीशन रोटेट होती है। तो अगर मैं इस प्लेन को रोटेट कर दूं, और रोटेट करके सपोज ये जो प्लेन है अगर ये रोटेट हो जाए, तो ये प्लेन कैसा हो जाएगा, ये प्लेन ऐसा हो जाएगा, तो ये जो पॉइंट ए है वो भी रोटेट हो जाएगा, तो ये एक्स वाई के कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ए डैश ऊपर और ए नीचे, और जस्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे रहते हैं, जस्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे रहते हैं। तो ये आपने क्या देख लिया, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो एक डिफरेंस था कि फ्रंट व्यू ऊपर की तरफ बनता है, टॉप व्यू नीचे की तरफ बनता है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट साइड बनता है, राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड बनता है। तो अभी साइड व्यू के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, इनिशियल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू आपने सीख लिया, ऐसा कॉपी में ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि आपकी कॉपी क्वाड्रेंट पोजीशन की नहीं है, शेप की नहीं है, आपको अपनी कॉपी में एक्स वाई के रेफरेंस पे ड्रॉ करना पड़ता है। मान लो ऑब्जेक्ट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे, सॉरी अपन फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का डिफरेंस देख रहे थे। ये कोई ऑब्जेक्ट है मान लो पी, अब इसके फ्रंट व्यू के लिए आपने इधर से देखा, तो इसका फ्रंट व्यू बना,
वर्टिकल प्लेन पर, जिसका नाम है स्मॉल पी डैश। इसका टॉप व्यू बना, टॉप व्यू के लिए ऊपर से देखा गया, फ्रंट व्यू के लिए इधर से देखा गया था। तो इसका टॉप व्यू बना हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, जिसका नाम है स्मॉल पी। इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं? एक्स वाई, एक्स वाई लाइन ड्रॉ किया आपने। मैंने क्या बताया था आपको? फ्रंट व्यू की पोजीशन चेंज नहीं होती, हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट होता है, मतलब टॉप व्यू रोटेट होता है। तो एक्स वाई के रिफरेंस में फ्रंट व्यू कहां पर है? नीचे है एक्स वाई के। पी डैश, स्मॉल पी डैश, ये क्या हुआ? फ्रंट व्यू। अब आप देख सकते हैं जो टॉप व्यू है वो ऐसा है, एक्स वाई के बिहाइंड पीछे है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर रोटेट होगा तो जो टॉप व्यू यहां पर है वो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो अगर ये रोटेट होता है, अगर ये रोटेट होता है तो टॉप व्यू भी रोटेट होके ऊपर जाएगा। मतलब टॉप व्यू एक्स वाई के रिफरेंस में कहां पर आया? ऊपर आया। तो ये डिफरेंस था जो कि यहां पर लिखा गया था, इन दिस मेथड द व्यूज आर ड्रॉन इन देयर रिलेटिव पोजिशन, द प्लान, प्लान मतलब टॉप व्यू, कम्स बिलो द एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू। तो जो टॉप व्यू रहता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, एक्स वाई के ऊपर फ्रंट व्यू रहता है, टॉप व्यू नीचे रहता है। थर्ड एंगल में टॉप व्यू ऊपर रहता है, फ्रंट व्यू नीचे रहता है। वैसे ही सेकंड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में, सेकंड एंगल में दोनों व्यू ऊपर जाते हैं उसी तरीके से जब आप ड्रॉ करते हैं तो, और फोर्थ एंगल में दोनों व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे आते हैं। क्लियर? ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है और ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। यहां पर भी एक ऑब्जेक्ट, दूसरा कोई एक कोन है ऑब्जेक्ट, ये उसका इधर से आपने देखा, ये फ्रंट व्यू बना वर्टिकल पे, टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल पे, टॉप व्यू रोटेट होके नीचे हो जाता है। तो जब आप एक्स वाई के रिफरेंस में इसे बनाएंगे, जब इसी को आप एक्स वाई के रिफरेंस में बनाएंगे तो ये कैसा बनेगा? ये बनेगा, इसका फ्रंट व्यू ट्रायंगल दिख रहा है आपको और इसका टॉप व्यू सर्कल। आप देख सकते हैं एक्स वाई के रिफरेंस में जब आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है। मैंने अभी आपको डिस्कस किया, वही दिखाया भी मैंने। ये जो चीजें मैंने आपको समझाई वही सारी चीजें हैं। ऑब्जर्वर ने फ्रंट से देखा, वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू बना, टॉप से देखा, टॉप व्यू बना। देखो ये वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू है, सामने से देखने पर, टॉप से देखने पर ये टॉप व्यू है, ओके। साइड से देखने पर ये साइड व्यू है। तो वर्टिकल प्लेन पे ये अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात कर रहे हैं, अब तो एग्जाम्पल अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ले लिया है, हालांकि चाहे कोई भी क्वाड्रेंट रहे, फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और साइड व्यू हमेशा प्रोफाइल प्लेन पे। लेकिन ये दिखने में आपको फ्रंट व्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने हटा दिया तो ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू, ये साइड व्यू, लेकिन आपकी कॉपी का शेप तो ऐसा नहीं रहता। तो कॉपी के शेप के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे की तरफ खुल जाता है, और जो प्रोफाइल प्लेन है, जो प्रोफाइल प्लेन है वो ऐसा खुल रहा है, आप देख पा रहे हैं, प्रोफाइल प्लेन इस तरफ ऐसा खुल जाएगा, ओके। तो आप देख सकते हैं ये फ्रंट व्यू आ गया, ये नीचे की तरफ खुला और ये ऐसा खुला, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ओके। अब इसको कॉपी में ड्रॉ करना था तो एक्स वाई के ऊपर फ्रंट व्यू, नीचे टॉप व्यू, और ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो मैंने अभी डिस्कस किया। क्लियर? तो ये था ऑल अबाउट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, थैंक्स।